हो चुका है, चलते हैं सीधा मैच पे। और मैच नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। प्लेन पार्ट ड्रॉप लोकेशंस वगैरह की हम लोग बात करते हैं और होपफुली आप सभी एंजॉय कर रहे होगे। की बात करें तो अकेले फंस चुके हैं और इनके पास हेलमेट जरूर ओके बेस्ट है, हेलमेट नहीं है बट एक मेंबर को डाउन किया, जॉर्ड को डाउन किया, भीष्मा भी डाउन हो गए। टीएसएम की स्कोर जस्ट इनके क्लोज से होके जाएगी, वहां पे डेस्ट्रो डाउन हो गए और किकी ओपी अब अकेले बचे हुए। सर्वाइवल के लिए इनको खेलना पड़ेगा क्योंकि 20 टीमें जिंदा हैं, अभी कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है, 76 मेंबर्स टोटल जिंदा हैं। डेस्ट्रो वहां पे डाउन है, ब्लीड कर रहे हैं, डैमेज काफी ज्यादा उनको पड़ रहा है। फोर किंग के मेंबर्स को भी जोन के अंदर निकलना है, 700 मीटर दूर इनको जोन के अंदर निकलना है। बाकी किकी ओपी थोड़े बहुत शॉट देने की कोशिश करेंगे, गुरु भी काफी ज्यादा ओपन में थे, शॉट देने की कोशिश की तो सही बट मिस कर गए, बट अपनी पोजीशन भी उन्होंने रिवील कर दिया। डेस्ट्रो दूसरे साइड पे, मैं इसी की बात कर रहा था, 8 बिट बिफोर मर्सी वर्सेस टीम आईएनडी की जो फाइट थी वो चल चुकी है, चलते हैं वहां पे। एंडी स्नैक्स दूसरे साइड पे, 8 बिट शॉट दूसरे साइड पे रश करने की कोशिश करेगी, स्नैक्स भी डाउन हो गए, यहाँ पे ट्रांस रश करने की कोशिश करेंगे। अंदर साइड पे 8 बिट के मेंबर्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, अंदर के साइड पे एक मेंबर डाउन है, यश की बात पे वो भी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, अपने आप को हील करने की जरूरत है। किंग फोर किंग का एक मेंबर और डाउन होता हुआ, जोनाथन के द्वारा नेट बहुत ज्यादा प्यारा, यश यहाँ पे डाउन होते हुए, ट्रांस के द्वारा 8 बिट के दो मेंबर बचे हुए, ट्रांस किसी भी कीमत पे अपने मेंबर को खोना नहीं चाहते। अक्षु सामने के साइड पे लेटे पड़े हुए, ट्रांस ने उनको स्पॉट किया बट पीछे से बैकफो मर्सी का बढ़िया कवर आता हुआ, बैरल उन्होंने निकाला, सप्रेस बैरल काफी ज्यादा खतरनाक है, सप्रेस बैरल सामने से 4x खोल दिया हेडशॉट, और इसी के साथ पूरी पूरी 8 बिट स्क्वाड एलिमिनेट होती हुई बाय टीम आईएनडी। और 4 के 4 मेंबर्स इनके जिंदा हैं, एक नॉक्ड आउट है बट रिवाइव कर दिया जाएगा, रॉक्स भी डाउन हो गए और अब आश गेमर अकेले बचे हुए अपनी टीम से। टीएसएम एक बहुत ही ज्यादा प्यारा रश गेम प्ले दिखाते हुए जोनाथन सामने के तट जाएंगे, आश गेमर काफी ज्यादा डैमेज होते हुए, जोनाथन का प्यारा स्प्रे डाउन किया आश गेमर को, और इसी के साथ सेल्स की जो स्क्वाड थी रेगल्टोस को भी स्पॉट किया गया है, मॉर्टल सामने के साइड पे ओके, सारे मेंबर्स को आई गेस स्पॉट किया गया है फ्रैंकी के द्वारा क्योंकि 4 के 4 मेंबर अलग अलग कंपाउंड पे, बट वहां पे मार्कोस गेमिंग वर्सेस पावर हाउस की जो फाइट है काफी ज्यादा देर से चल रही है। पावर हाउस के मेंबर्स को जोन के अंदर निकलना, आइकॉनिक लगभग जोन के अंदर मूवमेंट दे चुके हैं, डार्क दूसरे साइड पे है बट वहां पे जो मेंबर नॉकडाउन है उनको रिवाइव करने की जरूरत है। इसके बाद चौथा जोन स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज देने वाला है। ओआर वीरू को स्पॉट किया गया है यहाँ पे हस्टर के द्वारा, वैम्पायर की बात करें तो सामने के साइड पे उनको भी स्पॉट किया गया, थोड़े बहुत टैप शॉट देके जो गाड़ी है उसको बर्स की जाएगी, टायर वगैरह बर्स किया जाएगा ताकि वो निकल ना सके, बट वीरू सामने के साइड पे उनके पास कार 98 M24 था तो सही, देखते हैं हेडशॉट कनेक्ट हो सकता है या फिर नहीं, आई गेस कनेक्ट हो गया, कहीं और से हस्टर को कनेक्ट हो गया और इनका जो हेलमेट था वो पूरी तरीके से उतर चुका है, हेलमेट की जरूरत है हस्टर को। सामने के साइड से एक और व्हीकल आती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल टीम तमिलास के मेंबर रश करते हुए एमआईएम के मेंबर से सामने के साइड पे आए बट कैरी डाउन होते हुए क्लोक के द्वारा, रियाज की बात करें तो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया, अक्षय की बात करें वो भी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए, जोनाथन ने स्पॉट किया है मेंबर्स को, यस बिल्कुल डार्क स्पॉट किया गया यहाँ पे बट जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। और वैम्पायर दूसरे साइड से डाउन होते हुए गाड़ी लेके निकले, डार्क बहुत ज्यादा क्लोज में आए, जोनाथन पीछे से कवर दे तो रहे बट नियो को डाउन कर दिया गया है और किल भी कंफर्म करेंगे, डार्क को एक आखिरी शॉट पूरी तरीके से फिनिश किया जाएगा बट वहां पे जी गॉड कंफर्म हो गए, जीब्रा डार्क और सब कंफर्म हुए, इसी के साथ पावर हाउस की स्क्वाड एलिमिनेट हो गई। गॉडल वर्सेस सोल की जो फाइट है यहाँ पे चलती हुई, सोल के दो मेंबर्स अलग डायरेक्शन में और दो मेंबर्स अलग डायरेक्शन में, गॉडल के 3 मेंबर जिंदा थे बट एग्जिस्ट यहाँ पे डाउन होते हुए, शायद उनको नेट पड़ा या निकलना पड़ेगा। मॉर्टल नीचे के साइड से रोटेट करके आते हुए मॉर्टल को डाउन किया गया, गिल के द्वारा पूछे कैसे कंफर्म करेगा, रेगल्टोस ऊपर साइड जाते हुए गिल को डाउन किया गया, स्मोकी अकेले बचे अपनी टीम से, वाइपर थे ऊपर साइड पे, रेगल्टोस नहीं बट स्मोकी अकेले बचे हैं अपनी टीम से, मॉर्टल को पूछे कैसे फिनिश किया गया और रौनक ने प्यारा शॉट दिया, गब्बर को वहां पे नॉकआउट किया गया, फ्रॉस को भी स्पॉट किया गया था, एंगल निकालने की कोशिश कर रहे, फ्रॉस को डैमेज काफी ज्यादा दिया था बट नॉकआउट नहीं कर पाए, गब्बर नॉक आउट है, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, रौनक अभी भी शॉट्स देने की कोशिश कर तो रहे हैं बट जोन के अंदर कोई भी टीम नहीं है, 11 की 11 टीमें जोन के बाहर है, सभी को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। कैरी यहां पे डाउन करते हुए पैराडॉक्स को बट यहां पे रश होता हुआ मार्कोस गेमिंग का, डाउन किया सूर्या को, रौनक ने गाड़ी ब्लास्ट की और
फिनिश कर दिया। मार्कस दूसरे साइड से है और इसी के साथ मार्कोस गेमिंग भी एलिमिनेट होती है। फनाटिक की स्क्वाड 8 किल्स के साथ टॉप 10 में। एलिमेंट ईस्पोर्ट्स की जो स्क्वाड थी वो भी एलिमिनेट हो चुकी है फनाटिक स्क्वाड के द्वारा। वेज डाउन इनको रिवाइव किया जाएगा टॉप 3 टीम्स यहां पे। बट स्ट्राइकर का फाइनल M24 का शॉट एटलस को डाउन किया गया और कौन सी टीम चिकन डिनर निकाल के जाएगी देखना पड़ेगा। एश डाउन करते हुए यहां पे स्ट्राइकर को और इसी के साथ अमन अकेले बचे हुए अपनी टीम से। 1v3 का सिचुएशन होता हुआ क्या अमन अपनी टीम के लिए क्लच निकाल जाएंगे, सोल चिकन डिनर निकालेगी या फिर फनाटिक देखना पड़ेगा। फनाटिक ने भी बहुत सारे किल्स निकाले हैं, 12 किल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे। चिकन डिनर किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। फ्रैंकी पूरी तरीके से एलिमिनेटेड है। एश ने अपनी टीम के लिए निकाले 5 रौनक की बात करें तो 1 और वेज की बात की जाए तो उनके पास कितने किल्स हैं वो एक सेकंड के लिए हमको देखना पड़ेगा। 4 किल्स उन्होंने भी निकाल रखे हैं। अमन को स्पॉट करने की कोशिश की जाएगी हर तरफ से। जोन के अंदर दोनों टीम्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि दोनों टीम जोन के बाहर हों, दोनों की दोनों टीम जोन के अंदर हैं। ओएस का थोड़ा बहुत जो वेस्ट है वो डैमेज है, अगर एक को भी नॉकआउट कर गए और फिनिश कर गए तो अमन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। स्मोक सोल बनाने की कोशिश की जा रही है ओएस के द्वारा। अमन नीचे के साइड पर हैं, उनके पास ब्रोकन वॉल है तो सही, देखते हैं इस वाले मैच का क्या रुख होने वाला है। 16 नंबर अभी भी नीचे के साइड पे हैं, वो सर्च करेंगे और सामने के साइड पे एक ब्रोकन वॉल है, मे बी वो स्पॉट कर सकते हैं। आश दूसरे साइड से रोटेट करके जाएंगे बट अमन पे चलते हैं, पूरा होल्ड करके बैठे हुए हैं। आश को उन्होंने स्पॉट किया तो सही और हर तरफ खोजने के बाद फनाटिक के मेंबर्स बिल्कुल यहाँ पे नेट्स वगैरह यूज़ करना चाहेंगे। मॉली यूज़ की है, अमन को मॉली पड़ा बट 6 फर्स्ट एड किट इनके पास है। दूसरी मॉली हिट हुई, अमन डाउन और इसी के साथ फनाटिक स्क्वाड चिकन डिनर लेते हुए विद 13 किल्स।